अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं नवीद 57। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप हैमस्टर टोकन जो है बाइनास में या OKX में कैसे आप इसको सेल कर सकते हैं, कैसे इसका क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ वीडियो बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम OKX पे, जहाँ के जाके हमको देखते हैं कि हमको टोकन मिले हैं नहीं मिले हैं, उनको फिर कैसे हमने सेल करना है। तो जी दोस्तों, ये देखिए हम OKX पे आ चुके हैं। OKX एक्सचेंज पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने जस्ट वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जस्ट इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपने इसको ओपन होने देना। ओपन होने देने के बाद आपने इसके जो है फंडिंग में आ जाना है। फंडिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद फंडिंग में क्लिक किया, ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करके आपको यहाँ जो है आपके सारे टोकन जो है शो हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, आपने फंडिंग वाले ऑप्शन में आना। सर फंडिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने जैसे इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए सर्च वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ये सर्च वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने सर्च करना है HM लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये देखिए हम हैमस्टर आ चुका है। आपने जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर आपने पहले ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से आपने इस ऑप्शन आएगा, ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन आएगा, आपने जैसे इसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करके आपने इसको ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में लेके जाना है, क्योंकि अभी फंडिंग वाले में आया। ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसको यहाँ से देखिए फंडिंग से ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में जा रहा है। मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं तो जितने आपको मिले होंगे ये सारा आ जाएगा। तो आपने कन्फर्म पे आपने क्लिक कर देना। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ये कन्फर्म पे चला जाएगा। फिर आपने दोबारा अब आपने इसके ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपका ट्रेडिंग वाला ऑप्शन होगा, फिर बैक ले जाइएगा। ये आपका ट्रेडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। ट्रेडिंग वाला ऑप्शन में आने के बाद आपने फिर यहाँ दोबारा सर्च कर सकते हैं इसको, हैमस्टर को HM लिखेंगे। यहाँ सर्च में जाके HM लिखा तो यहाँ पे जो है वो हैमस्टर आ जाएगा। आपने जैसे इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे जब ये ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा, आपने जैसे ये देखिए ट्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास यहाँ पेयर आ जाएंगे कि आपने किस पेयर में किसको जो है सेल करना है। यहाँ पे अब ये देखिए ये आइस वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे इसको जस्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ आपने फिर सर्च कर देना है, HM सर्च कर देना है। HM सर्च करेंगे तो ये जो होगा हैमस्टर, ये देखिए हैमस्टर जो है ये देखिए ये स्टार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा, ठीक है टाइम पूरा होगा तो आप इसको जो है फ़ौरन सेल पे जाके, यहाँ सेल पे जाइएगा। सेल पे जाके जो लिमिट ऑर्डर है आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्लिक करके आपने जितने भी यहाँ पे इसको सेल कर देना है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आपने तकरीबन 1 से 2 घंटा वेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि जब ऊपर जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तो घंटे बाद 2 घंटे बाद इसने काफ़ी ऊपर चले जाना, वहाँ जाकर इसको सेल कर दीजिएगा। ये हो गया इसका OKX का ऑप्शन हो गया। अब आप चलते हैं बाइनांस की तरफ। तो जी दोस्तों, ये देखिए मैं ये बाइनांस वाले ऑप्शन में आ चुका हूँ। आपने जस्ट सेम वही प्रोसीजर है, आपने जस्ट वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसका जो है ये स्पॉट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, स्पॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करके सेम वही आपने जिसने इस पर आपने यहाँ हैमस्टर जो है वो सर्च करना है। हैमस्टर जो है यहाँ देखिए सर्च आ चुका है, सर्च बार में आ चुका है। आपने जस्ट यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए कितनी देर आ चुकी है, यहाँ आपने ट्रांसफर करना है। ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आना है। ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने फिर ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, ट्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, अपने ट्रेड वाले ऑप्शन में आना है। ट्रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ ETH है, अपने यहाँ हैमस्टर जो है वो सर्च कर लेना है। हैमस्टर लिखेंगे, HM लिखेंगे तो वो आ जाएगा। HM लिखा मैंने, यहाँ पे हैमस्टर आ जाएगा। ये देखिए हैमस्टर टू USDT करना है, FDUSD। आप USDT पे क्लिक कीजिएगा, फिर वो सेल वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा, ठीक हो गया। सेल वाले ऑप्शन पे आने के बाद एक्सेप्ट, ओके ये सर आपसे वापस करवा रहा है, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। एक्सेप्ट, इसको भी यस पे क्लिक कर दिया, इसको भी यस पे क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद हैमस्टर पे आएंगे, हैमस्टर पे फिर ये सेल वाले ऑप्शन पे आना है। अपने सेल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने फिर यहाँ से लिमिट नहीं, यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करनी है कि जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा। तो जैसे ही देखिए टाइमर फिनिश होगा, आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी रेट होगा वो ही बता रहा हूँ कि घंटा 1.5 घंटा सबर कर लीजिएगा। अगर रेट ज़्यादा अप जा रहा होगा फिर इसको सेल कर दीजिएगा। अगर देखा रेट डाउन जा रहा है आपने इसको, यानी कि अप जा रहा होगा वेट कर लीजिएगा। अगर डाउन जा रहा हो तो आपने थोड़ा सा हो यानी कि ना उस टाइम सेल कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।